फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं जो है UPPCS और UPSC यानी UPPCS प्रीलिम्स के जो एग्ज़ामिनेशन हुए हैं उसका जो वीडियो है मैंने जो है अपलोड किया है। और जो भी वीडियो है, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है और जो है फिर जो है हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इससे रिलेटेड जो है वीडियो जो है अपलोड है। फिर जो है पॉलिटी के भी जो है वीडियो जो है अपलोडेड है, चाहे तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। सारी वीडियो जो है अपलोडेड है। तो मैं जो है ये जो डिस्कस जो करूँगा आज जो है हिस्ट्री के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। अशोक का जो है जो हिस्ट्री है वो जो है एक वीडियो जो है मैंने अपलोड किया था, तो वो है यूट्यूब पर जो है। और ये जो वीडियो है उसका जो बचा हुआ पार्ट है उसके बारे में जो है आज डिस्कस जो है करेंगे, चूँकि जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में आने के 100% चांसेस होते हैं, आने के संभावना होते हैं, आते हैं एग्ज़ाम में। तो मैं जो है वही टॉपिक उठाऊँगा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है 100%। और जो है ये आपके जो है यानी प्रीलिम्स के जो है जो प्री एग्जामिनेशन 2023 के होने हैं उसके लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जितने भी बच्चे जो है UPSC UPPCS प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं वो भी इस वीडियो को जो है देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, बढ़िया लगे, तो आप वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सबसे पहले जो है अगर जो है देखा जाए तो अशोक का जो है जो हिस्ट्री है, मैंने जो है बताया था कि अशोक का हिस्ट्री है क्या। यानी सबसे पहले जो है अगर जो है देखा जाए तो अशोक का मैंने जो है बताया था ये हिस्ट्री है। यानी आप जो है अगर जो है देखा जाए तो ये मैं नाम भी जो है अपना डाल देता हूँ, राजेश कुमार। इसके पहले जो है मेरी वीडियो बहुत सारी जो है पड़ी हुई है और हिस्ट्री के बारे में जो है डिस्कस जो है करेंगे। जो अशोक का पार्ट है, अशोक यानी अशोक के बारे में जो है अगर जो है देखा जाए तो ये जो है उत्तराधिकारी किसका था, यानी जो है बिंदुसार का था। बिंदुसार का ये उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी था, यानी इट मीन्स जो है ये इसका जो है पुत्र था। और ये जो है यानी ये आपका जो है ये वैवाहिक संबंध बनाकर जो है अपने सम्राट का जो है साम्राज्य का विस्तार किया था। और ये जो है यानी अपने जो है युद्ध यानी जो है बैटल लड़ करके, लड़ाई लड़ करके जो है ये अपने साम्राज्य का जो है विस्तार किया था। और ये जो है शुरू में जो है ये क्या था, यानी अवंती का जो है राज्यपाल था, अवंती का राज्यपाल था। और इसको जो है ग्रेट अशोक कहते हैं, यानी महान अशोक कहते हैं। और इसने जो है यानी 16 महाजनपद में से 15 जो है महाजनपद ये जीत चुका था, जिसमें एक जो था कलिंग पर जो है ये विजय नहीं पाया। और वहीं से जो है काफ़ी जो है लोगों का रक्तपात हो गया, काफ़ी लोग जो है यानी जो है मारे गए कलिंग के युद्ध में जो है मारे गए। और जो है इसका जो है हृदय परिवर्तन हो गया अशोक का। तो ये जो है बौद्ध धर्म जो है अपना लिया था और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो है इसने जो है अपने पुत्र को जो है यानी इसका पुत्र जो था अशोक का जो पुत्र था वो जो है था महेंद्र था। और उसके बाद जो है संघमित्रा इसकी पुत्री थी। इसको जो है इन दोनों को जो है भेजा था श्रीलंका जो है भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इसका जो पौत्र है वो है आपका दशरथ था। और ये महान जो था ये जो है यानी उत्तराधिकार की लड़ाई के लिए यानी साम्राज्य की लड़ाई के लिए जो है इसके 100 भाई थे 100 भाई की हत्या जो है कर दिया। और जो है ये हत्या करके जो है गद्दी को जो है प्राप्त किया था। और जो है ये जो है यानी अपने जो है जीवन काल में जो है बहुत जो है यानी महान कार्य जो है किया था। और इसका जो है यानी कब बैठा था ये जो है 269 में
269 में बैठा था, बीसी में बैठा था, और 269 में जो है ये राज्यपाल था बीसी, ये था। और ये जो है आपका जो है जैसे बिंदुसार है, ये वैवाहिक संबंध जो है करके जो है, यानी ये जो है अपने साम्राज्य का जो है विस्तार किया था। इसके पिता का नाम क्या था? इसके पिता का नाम चंद्रगुप्त, इसके पिता का नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य था। देखिए एक सिक्वेंस जो है मैं बता देता हूँ, उसके बाद जो है मैं आगे जो है बढ़ता हूँ। देखिए यानी ये जो है सिक्वेंस जो है, जैसे अगर जो है देखा जाए तो सबसे पहले कौन था, यानी सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त मौर्य था, ये मौर्य डायनेस्टी थी। और इसका जो पुत्र था दूसरा नंबर बिंदुसार, बिंदुसार था। फिर इसका पुत्र था तीसरा नंबर अशोक, अशोक था। अब इसके बाद उत्तराधिकार जो इसके, इसका जो पौत्र था, पौत्र वो जो था यानी वो दशरथ था, दशरथ। पुत्र तो इसका जो है महेंद्र वर्मन था और जो है संगमित्रा थी। तो ये जो है इसका जो है लास्ट में जो है, यानी आपका जो है जो लास्ट अंतिम राजा था वो कौन था? बृहद्रथ, बृहद्रथ था। और जिसका जो इसका हत्या जो है कर दिया था, कौन हत्या कर दिया था? पुष्प मित्र सुंग, इसने जो है इसका जो है हत्या कर दिया। कब कर दिया? 185 बीसी में, यानी इसका जो है हत्या कर दिया। अब देखिए ये चंद्रगुप्त मौर्य भी सबसे जो है महान था, ये भी जो है ग्रेट था, महान था। यानी इसने भी जो है, यानी पूरे भारत पर जो है, इवन जो है अफगानिस्तान पर भी जो है अपना, अपने साम्राज्य को जो है फैलाया था। काफ़ी जो है महान जो है ये शासक था। उसके बाद बिंदुसार था, उसके बाद अशोक था, उसके बाद जो है बृहद्रथ था, अंतिम राजा था, ये अंतिम शासक था। और जिसका हत्या जो है वो कर दिया, कौन? पुष्पमित्र सुंग था। ये ब्राह्मण डायनेस्टी था, इसको कहते हैं ब्राह्मण वंश, यानी ये ब्राह्मण वंश से रिलेट जो है करता था। अब देखिए इसको, इसको भी जो है देखेंगे आज के डेट में जो है। तो ये है कुछ जो है, यानी कुछ इंट्रोडक्शन है। अब देखिए जो है, जो एग्जामिनेशन में जो आए हैं 2022 में, प्रीलिम्स में, यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जो आए हैं, अशोक से रिलेटेड जो है एक क्वेश्चन आया था कि 14वें शिलालेख में जो है, यानी किस चीज़ का जो है उन्होंने जो है, किस चीज़, क्या अशोक ने जो है कहा था। तो वो जो है मैं अभी जो है रिलेट करके जो है बताऊँगा। वो धर्म से रिलेटेड था, यानी उपदेश दिया था धर्म के बारे में जो है, वर्णन है 14वें शिलालेख में। तो अब देखिए जो है, यानी इसके पहले जो है मैंने जो है वीडियो जो अपलोड किया है उसमें क्वेश्चन है प्रीलिम्स में जो है 2022 का जो पेपर हुआ है तो उसमें है। देखिए अब जो है, जो बचे भाग थे, यानी प्रशासन की सबसे सबसे छोटी इकाई, यानी प्रशासन की, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी, ये ग्राम थी। यानी सबसे, यानी सबसे छोटे वाले हिस्सा, यानी सबसे छोटा हिस्सा क्या था? यानी ग्राम था। और ये जो है ग्राम से फिर जो है आपके कई ग्राम मिल गए, उसके बाद कई ग्राम मिल करके एक जो है राज बन गया, राज्य, कई राज मिलकर साम्राज्य बन गया। ऐसे जो है यानी आपका जो है प्रशासन जो है चलता था। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? यानी जो है ये आपके ग्राम थी। इसका मुखिया कौन था? ग्रामिक था, ग्रामिक, यानी ये ग्रामिक था। इसका मुखिया कौन था? इसका जो है ग्रामिक था। जो ग्रामिक जो था यही जो है देखभाल जो है ग्राम का करता था। अब देखिए जो मंत्री था, मंत्री, मंत्री जो है वो क्या था? प्रधानमंत्री, प्रधान मंत्री, यानी इसी से रिलेटेड है आपका। पुरोहित क्या था? पुरोहित, पुरोहित वो जो है धर्म एवं, धर्म यूं दान विभाग का अध्यक्ष। ये आपकी इम्पॉर्टेंट है, यानी एक साइड से जो है, यानी ये टॉपिक दे देगा, एक साइड से जो है ये टॉपिक दे देगा, कहेगा मैच कीजिए और बताइए कि जो है कौन सा जो है किस में जो है रिलेट करता है। तो ये चीज़ें हैं। सेनापति क्या होता था? देखिए सेनापति, जो सेनापति होता था क्या होता था? यानी सेना का प्रमुख होता था, सेना
का प्रमुख होता था। अब ये जो है उस समय के जो है ये प्रशासन का जो है पार्ट है, यानी मंत्री क्या होता था, प्रधानमंत्री, पुरोहित क्या होता, धर्म एवं दान विभाग का, सेनापति क्या होता, सेना का प्रमुख होता था। अब देखिए जो है युवराज क्या था, युवराज, युवराज यानी ये युवराज को क्या कहते थे, यानी ये आपका जो है राजपुत्र था, राजपुत्र था। अब इसके बाद जो है यानी टॉपिक है दौवारिक, दौवारिक, दौवारिक क्या था भाई, वो जो है यानी जैसे दुर्ग है, यानी जो है द्वार है, यानी राजकीय द्वार रक्षक था, राजकीय, राजकीय द्वार रक्षक था। अब देखिए मेन टॉपिक है, यानी इससे जो है आपके अंतर वैदिक कौन था भाई, अंतर वैदिक ये कौन था, ये किससे जो है रिलेट करता था, इसका मतलब क्या होता है, अंतःपुर का अध्यक्ष, क्या, अंतःपुर का अध्यक्ष ये था इसका मतलब। अब इसके बाद जो है समाकर्ता, समाहर्ता, समाहर्ता क्या था, अगर जो है इसको जो है देखा, आय का लेखा जोखा, आय का लेखा जोखा ये था मेन टॉपिक। आगे जो है देखते हैं फ्रेंड्स, यानी एक बार और रिपीट कर देते हैं, देखिए प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, यानी कोई भी राजा अगर प्रशासन चलाता था तो सब पहले ग्राम से ही स्टार्ट करता, आज भी वही चलता है, आज भी जो है यानी सबसे ग्राम से ही जो है डेवलप किया जाता है, उसी से स्टार्ट किया जाता है। तो ये प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, इसका मुखिया ग्रामिक था, जैसे ग्राम का मेन क्या होता, प्रधान होता, वैसे जो है ग्रामिक था। मंत्री, प्रधानमंत्री, पुरोहित, धर्म एवं दान विभाग का अध्यक्ष, सेनापति, सेना का प्रमुख होता था, युवराज, राजपुत्र, दौवारिक, राजकीय द्वार रक्षक था, अंतर दैहिक, अंतर वैदिक, अंतःपुर का अध्यक्ष, समाहर्ता, आय का लेखा जोखा, ये आय का लेखा जोखा जो रखता था, यानी कितना आय आय आ रहा है जा रहा है उसका लेखा जोखा ये रखता था। अब देखिए आगे जो है टॉपिक जो है देखते हैं, मैं कुछ जो है आगे जो है इससे रिलेट करके जो है बताऊंगा। अब देखिए सन्निधाता क्या है, राजकीय कोष का अध्यक्ष, सन्निधाता, सन्निधाता ये है राजकीय कोष, राजकीय कोष का अध्यक्ष, अध्यक्ष था सन्निधाता, राजकीय कोष का अध्यक्ष था। फिर उसके बाद प्रशास्ता, प्रशास्ता ये क्या है भाई, प्रशास्ता क्या है, कारागार का अध्यक्ष, कारागार का अध्यक्ष ये होता था, कारागार का अध्यक्ष। प्रदोष्ट, प्रदोष्ट ये क्या होता था, अब देखिए मेन है एकदम, ये जो है यानी यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अशोक से रिलेटेड जो है पर ईयर जो है क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा ज़्यादा जो है शेयर कीजिए। प्रदोष्ट का मतलब कमिश्नर, कमिश्नर क्या होता है, कमिश्नर होता है। फिर पौर का मतलब क्या होता है, पौर यानी जिसको हम अगर नगर का कोतवाल कहें, नगर का कोतवाल ये कहते हैं, नगर का कोतवाल। व्यवहारिक क्या होता है, व्यवहारिक, व्यवहारिक किससे रिलेट करता है, इसका मतलब क्या होता है, प्रमुख न्यायाधीश क्या होता है, प्रमुख न्यायाधीश यानी पहले भी न्याय होता था, आज भी न्याय होता है, यानी न्यायाधीश जो होते थे वो जो है राजा के दरबार में होते थे, आज के डेट में जो है, आज के प्रेजेंट डेट में जो है यानी कहाँ होते हैं, यानी वो कोर्ट में होते हैं, न्यायालय में होते हैं। फिर नायक क्या है, नायक जो नायक होता है वो, इसका मतलब क्या है भाई, नायक का मतलब नगर रक्षा का नायक, नगर रक्षा का नायक ये होता है। आगे जो है देखते हैं फ्रेंड्स जो है, अब देखिए
अब देखिए, यानी ये आपका जो है मेन है। अब देखिए कार्यांतिक क्या है, कार्यांतिक का मतलब क्या है, उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष, क्या उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष ये है आपका। गिव मी वन मिनट। अब देखिए, यानी मंत्रिपरिषद, जो मंत्रिपरिषद था वो क्या था भाई, अध्यक्ष था। मंत्रिपरिषद यानी देखिए राजा को सलाह देने के लिए क्या था, यानी अब इसमें जो है पहले भी जो है, यानी ये आपका जो है 261 BC से लेकर के जो है 185 BC के बीच का है ये। यानी ये आपका जो है, यानी आपका जो है जैसे 322 है BC और ये लेकर, यानी इसके बीच का है। यानी तब भी जो है यही चीज़ था, सारी चीज़ें थी, यानी तब भी जो है शासन होता था, प्रशासन चलता था, यानी तभी राज्य था, साम्राज्य था, आज भी राज्य है, यानी कुछ जो है चेंज है। देखिए मंत्रिपरिषद क्या है, मंत्रिपरिषद अब ये मंत्रिपरिषद था, यानी मंत्रिपरिषद जो थे ये ग्रुप थे, और ये जो है राजा को सलाह देने के लिए थे, क्या था, यानी ये जो है दरबार में रहते थे, ये जो है यानी राजा को, जो राजा होते थे उनको ये सलाह देते थे। यानी अब देखिए जो है ये इसका अध्यक्ष जो है, यानी अध्यक्ष। अब आगे जो है देखते हैं दंडपाल, दंडपाल जो दंडपाल क्या था, यानी सेना का सम्मान रखने वाला, सेना का सम्मान रखने वाला था, सम्मान रखने वाला। आगे देखते हैं फ्रेंड्स जो है, देखिए अगर आपको वीडियो जो है अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, तो आप जो है इसके पहले भी जो है मैं इंट्रोडक्शन में जो है बहुत सारी जो है जितनी भी डायनेस्टी हैं, जितने भी बैटल हैं, सब के बारे में जो है डिस्कस किया है, आगे भी जो है डिस्कस करेंगे। अब देखिए अंतःपाल क्या है, अंतःपाल इसका मतलब क्या होता है, अंतःपाल का यानी अंतःपाल का मतलब सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक, ये जो है अंतःपाल का जो है कार्य था। अब देखिए सबसे, यानी जो है प्रशासकों में सबसे छोटा कौन था, गोप, कौन था सबसे छोटा प्रशासकों में, यानी प्रशासकों में सबसे छोटा क्या था, गोप था। आगे देखिए ग्रामों का शासन, जो ग्राम का, यानी ग्राम का, यानी कई ग्राम मिलकर के जो है मिलते थे, तो उनका ये जो है शासन जो है संभालता था। अब देखिए यानी जो है मेगास्थनीज के अनुसार अगर जो है देखा जाए, मेगास्थनीज कौन है, मेगास्थनीज यानी ये जो है, जो मेगास्थनीज था ये जो है सिकंदर के साथ में आया था, राइटर है, लेखक है ये, यानी ये जो है मेगास्थनीज जो है सिकंदर के साथ में आया था, और ये जो है जब सिकंदर जो है चला गया, डेड हो गया, तो उसके बाद जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा, और ये इसके अनुसार यानी ये जो है लिखा था, यानी ये उस समय प्रेजेंट था। अब देखिए ये जो है प्रेजेंट था, तो इसके अनुसार जो है क्या, यानी इसके अनुसार नगर का प्रशासक जो होता था, यानी नगर का प्रशासक 30 सदस्यों का समूह था, जो प्रशासक था, प्रशासक 30 सदस्य कितने थे, 30 सदस्य थे। अब देखिए जो है जो 6 समितियों में बटे हुए थे, समित कितनी थी, समित, अब देखिए समित जो है 6 समित थी,
छः में जो है बटी थी, कितनी समिति थी, पाँच, यानी पाँच छः छः सदस्यों में जो है बटी थी, तो कितने हो गए, पाँच सदस्य, यानी प्रत्येक में कितने सदस्य थे, सदस्य कितने थे, पाँच थे प्रत्येक समिति में। अब देखिए आगे जो है, यानी बिक्री कर के रूप में मूल्य का दसवां भाग, बिक्री कर के रूप में मूल्य जितना होता था उसका दसवां भाग वसूला जाता था, कितना, दसवां भाग जो है यानी असूला, जो इसको बचाता था उसको मृत्यु दंड जो है दिया जाता था, मृत्यु दंड जो है दिया जाता था, ये मेन पॉइंट है। अब देखिए जो है मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनुमाई, मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनुमाई, अब जो है ये जो है आपका जो एग्रोमोनाई है, एग्रोनुमाई, ये जो है क्या है, यानी ये मार्ग अधिकारी क्या था, मार्ग अधिकारी था। अब देखिए जस्टिन के अनुसार, यानी जस्टिन भी क्या था, वो भी जो है यूनानी था, और मेगास्थनीज भी क्या था, ये भी जो है यूनानी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में, यानी ये जो चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो है इसकी सेना में कितने थे, सेना में, अब जो है सेना में जो है देख रहा, यानी ये उस समय था जस्टिन और मेगास्थनीज ये सब थे, तो कितने थे, यानी 50,000 अश्वारोही कितने थे, रोही 50,000, यानी अश्वारोही का मतलब जो घोड़े थे, रथ और घोड़े थे, ठीक है, वो जो है कितने थे, 50,000, 9,000 कितने थे, 9,000 हाथी कितने थे, 9,000। अब देखिए 9,000 हाथी थे और जो है 8,000 रथ कितने थे, रथ 8,000, यानी ये उसके अनुसार, यानी किसके, यानी जस्टिन के अनुसार ये था। अब देखिए जस्टिन के अनुसार जो है ये यूनानी लेखक था, यानी मौर्य ने अपनी 6,00,000 की फौज, यानी इसी जस्टिन के अनुसार ही, यानी ये जो है जैसे इसका जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, चाणक्य था, और चाणक्य के अनुसार ही जो है ये चाणक्य ही जो है इसको पालन पोषण किया था, लाया था, क्योंकि जो है नंद डायनेस्टी में जो है जो चाणक्य था उसको अपमानित करके जो महापद्म नंद था वो जो है उसको निकाला था। अब जो है ये जो है यानी आपका जो है इसका जो गुरु था वो क्या था, चाणक था, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो प्रधानमंत्री था, वो भी जो है यानी किताबें जो है लिखा था, उसने ही जो है देखभाल जो है किया था, तो जस्टिन के अनुसार 6,00,000 की फौज थी इसके अंदर, यानी जस्टिन के अनुसार इसकी सेना में कितनी थी, 6,00,000 जो है फौज थी, और 6,00,000 फौज को लेकर के यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत को रोक दिया था, यानी पूरे भारत को रोक दिया था, ये था, यानी किसके अनुसार, जस्टिन के अनुसार था। अब देखिए ये भी, लेकिन ये सही है, ये सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है सही। अगर जो है देखा चंद्रगुप्त में पश्चिमोत्तर भारत को, यानी जो है अगर जो है चंद्रगुप्त मौर्य को अगर जो है देखा जाए, पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस को गुलामी से मुक्त किया, पश्चिमोत्तर भारत सेल्यूकस को, ये जो सेल्यूकस ये भी जो है यूनानी था, और मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज ये भी यूनानी था, और जस्टिन भी यूनानी था, तो ये जो है जो सेल्यूकस था इसको गुलामी से मुक्त किया था, इसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब देखिए सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी, यानी सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी जो था वो कौन था, सेनापति,
और सेनापति ही जो है क्या करता था, नेतृत्व करता था। जब कोई युद्ध होता था, बैटल होता था, तो ये जो है क्या नेतृत्व करता था। अब देखिए ये जो है मेन पॉइंट है, यानी अशोक से रिलेट जो है करता है। अब देखिए अब कुछ और भी जो है, कुछ जो है प्लिनी नामक यूनानी लेखक है, प्लिनी नामक, ये जो प्लिनी जो था तिब्बती था प्लिनी। अब देखिए ये जो है यानी प्लिनी नामक यूनानी था, ये भी राइटर था, यूनानी लेखक था, जो भारत के अंदर आया था। ये सारे जो है इंडिया के अंदर आए थे, यानी कहाँ से आए थे, यूनान से आए थे। तो देखिए प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख जो है क्या थे, पैदल सिपाही, 6 लाख जो है क्या थे, पैदल सिपाही थे। अब देखिए घुड़सवार कितने थे, घुड़सवार कितने थे, 30,000 जो है घुड़सवार थे। फिर जो है 9,000 हाथी कितने थे, 9,000 हाथी थे इसके सेना में। अब देखिए जो है गुप्तचर विभाग को महामात्य, गुप्तचर विभाग को महामात्य कहते हैं। और जो है ये महामात गढ़ नामक अध्यक्ष के अधीन था, आगे देखते हैं फ्रेंड्स जो है। अब जो है इससे जो टॉपिक है, मेन जो टॉपिक है वो कंप्लीट होने वाला है। तो इससे रिलेट करके जो है यानी कुछ जो है चीज़ें बताऊंगा, ताकि जो है आपके दिमाग में जो है बैठ जाए हिस्ट्री जो है, यानी इससे जो है जो हिस्ट्री है इससे जो है 25 से 26 क्वेश्चन, 24-25 क्वेश्चन जो है पर ईयर जो है आते हैं। तो आपके जो है चंद्रगुप्त मौर्य है इम्पॉर्टेंट, फिर जो है अशोक है इम्पॉर्टेंट, फिर जो है आपका जो है बिम्बिसार है, फिर जो है यानी उसके पहले के जो है यानी जो शासक हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसको भी जो है लाएंगे। तो देखिए गुप्तचर को संचार क्या कहते थे, गुप्तचर क्या होता था, संचार होता था। अब इसके बाद जो है यानी न्यायाधीश को क्या कहते थे, राजुक, न्यायाधीश को राजुक कहते थे। अब एक बार जो है आप वीडियो जो है देखेंगे तो ज़्यादा जो है समझ में आ जाएगा, एक बार दो बार तीन बार जो है देखिए। सरकारी भूमि को क्या कहते हैं, सीता। देखिए ये आ चुका है, ये आपके जो है पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम में आ चुका है। सरकारी भूमि को क्या कहते हैं, सीता, यानी इसको सीता भूमि कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सीता भूमि। बिना वर्षक की अच्छी खेती अगर होता है तो उसको क्या कहते हैं, अष्टयक भूमि कहते हैं, अष्टयक भूमि कहते हैं। अब देखिए जो है मेगास्थनीज था, उसके अनुसार जो है जो समाज है उसको कई भागों में जो है बांटा था। पहला जो है दार्शनिक, दूसरा जो है, अब देखिए ये जो है समाज को यानी उस समय के समाज को बांटा था, किसान। तीसरा नंबर अहिर था। चौथा नंबर जो है यानी अगर चौथा कारीगर सैनिक, ये है कारीगर, फिर सैनिक था। उसके बाद जो है निरीक्षक था। उसके बाद कौन था, यानी सभासद आज भी है, सभासद नगर में होते हैं, यानी जो शहर के जो है जो होते हैं वो क्या, सभासद होते हैं। फिर स्वतंत्र अगर जो है उस समय वेश्यावृत्ति करती तो उसको जो है क्या कहते थे, रूपाजीवा। स्वतंत्र
वेश्यावृत्त, वृत्त अगर कोई स्त्री करती थी तो उसको कहते थे रूपा, जीवा। मेन टॉपिक था तो ये चीजें था। अब देखिए जो है, अगर जो है कुछ जो है देखा जाए तो अशोक के अभिलेखों की संख्या कितनी थी? अशोक के अभिलेखों की संख्या जो थी 7 थी। कितने? अशोक के की अभिलेखों की संख्या कितनी थी? 7। स्तूप कितना था? स्तूप की संख्या कितनी थी? 84,000, यानी 84,000 जो है स्तूप थे। और जो है ये जो लिखा गया था स्तंभ पर, जो है शिलालेख पर जो लिखा गया था, वो कितना जो है, यानी किस भाषा में लिखा गया था, ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी जो है इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। देखिए, यानी जो है जैसे अब जो है ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, क्या ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, जो स्तंभ लेख पर लिखा गया था, शिला लेख पर लिखा गया था, वो क्या ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। लिपि का मतलब क्या? लिखने का भाषा। अब देखिए जो है प्रयाग स्तंभ कौन लाया था? प्रयाग स्तंभ, प्रयाग स्तंभ लेख ये कौन लाया था? यानी जो है ये जो है कौशाम्बी में स्थित था। कहाँ? कौशाम्बी इलाहाबाद में है। और इस स्तंभ लेख को जो है अकबर ने लाया था, अकबर, और इलाहाबाद में जो है लगवाया था कि किले में, यानी इलाहाबाद के जो है किले में जो है वो क्या किया था, स्थापित किया था। कौन? अकबर ने, प्रयाग स्तंभ लेख। फिर जो है उसके बाद दिल्ली टोपरा है, दिल्ली, दिल्ली टोपरा ये जो है कौन लाया था भाई? दिल्ली टोपरा, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ये तुगलक डायनेस्टी है, पहले जो है मुगल डायनेस्टी थी, अकबर जो है रिलेट करता है मुगल डायनेस्टी से, और ये जो है यानी ये रिलेट करता है तुगलक डायनेस्टी से। तो ये लाया था और दिल्ली में लगाया था। कहाँ लगाया था? दिल्ली में, दिल्ली में लगाया था। अब देखिए इसके बाद जो है, यानी दिल्ली मेरठ, यानी ये भी स्तंभ लेख था, दिल्ली मेरठ, इसको कौन लाया था? अगर जो है देखा जाए फिरोज शाह तुगलक ये भी था, ये कौन था? फिरोज शाह तुगलक, इसने ही लाया था। दूसरा जो है अगर जो है देखा जाए तो रामपुरवा, रामपुरवा ये जो था ये किसने लाया था? ये बिहार में स्थित था, और बिहार में कहाँ? बिहार में चंपारण, यहाँ पर स्थित था। और इसका जो खोज किया गया था 1872 ईडी में खोजा गया था। और जो है अब देखिए, यानी लोरिया अरेपुर ये भी था, लोरिया अरेपुर ये जो है आपका जो है ये भी चंपारण में था, चंपारण में था। अब देखिए, यानी ये आपका जो है सबसे पहले जो है, अगर जो है देखा जाए तो सीक्वेंस जो है, यानी ये मेन जो है, यानी भेरी भेरी जो है इम्पॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो है जो डायनेस्टी बताने जा रहे हैं वो जो है आपका जो है ब्राह्मण डायनेस्टी है, ब्राह्मण डायनेस्टी, ब्राह्मण वंश जिसको कहेंगे। यानी कौन था? यानी दशरथ बृहदत्त का हत्या कौन किया था? पुष्प मित्र सुंग, इसने जो है क्या कर दिया था 185 में बीसी में, यानी इसने जो है हत्या कर दिया था किसका? बृहदत्त का। क्योंकि जो है ये लास्ट वाला जो है अंतिम जो है शासक था। तो अब देखिए इसके बारे में जो है देखते हैं थोड़ा। यानी इससे जो है रिलेशन रिलेटेड जो है देखते हैं।
देखिए, अब देखिए नंद वंश के विनाश के लिए यानी जो है नंद वंश के विनाश के लिए कौन जो है आया, चंद्रगुप्त मौर्य आया था। कौन आया था? सबसे पहले जो है एक सीक्वेंस जो है दे देते हैं। सबसे पहले मगध पर जो है, जो ये जो मगध जो है 16 महाजनपद में से मगध ये क्या था, राज्य था। मगध जो है यानी ये क्या था, राज्य था। और इस पर जो है कई लोगों ने जो है शासन किया था। पहले जो है कौन था, बृहद्रथ। अब देखिए, अब इसके बाद जो है कौन आया, यानी इसके बाद हर्यक डायनेस्टी आया, हर्यक वंश आया। अब देखिए ये जो है कब आया भाई, ये जो है यानी हर्यक डायनेस्टी, यानी अब ये हर्यक डायनेस्टी कब से कब तक जो है चलती है ये देखना है। यानी ये जो है चलेगी 544 to 412 BC तक जो है चलता है। अब ये वाला जो है अगर जो है देखा जाए तो हर्यक वंश में कौन था सबसे पहले, यानी भीमिसार था। भीमिसार उसके बाद कौन था भाई, भीमिसार के बाद अजात शत्रु था। उसके बाद उद्यन था। अब देखिए उद्यन ये इसका हत्या कर दिया, ये इसका हत्या कर दिया। अब देखिए इसके बाद जो है कौन था, इसके बाद जो है कौन आया, यानी उसके बाद जो है आपका आया कौन, यानी काला शोक आ गया, यानी आपका काला शोक आ गया। इसका जो है इसके बाद कौन आया, नंद वंश आ गया। अब नंद वंश में जो है महापद्म नंद आ गया। अब ये जो है संस्थापक था। इसके बाद धनानंद आ गया। अब इसी का जो है इसी से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होती है। अब इसका जो पुत्र था कौन था, बिंदुसार था। इसका पुत्र कौन था, अशोक। और लास्ट का जो है बृहद्रथ ये था। इसी का हत्या जो है कौन करता है, पुष्प मित्र सुंग कब करता है, 185 BC में करता है। तो ये एक जो है सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जो है यानी आपको जो है रटा होना चाहिए, यानी याद जो है होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है ऐसे जो है पूछ देता है, यानी जो है सीक्वेंस में एक साइड में दे देगा और फिर जो है उसको ईयर दे देगा मिलाने के लिए जो है दे देता है। तो देखिए यानी सबसे पहले जो है सुंग वंश जो है यानी सुंग वंश होता है। सुंग वंश ये कौन है, इसका संस्थापक यानी पुष्प मित्र सुंग। अब देखिए ये जो है ब्राह्मण वंश था, यानी ये ब्राह्मण से बिलोंग जो है करता था। और ये जो है यानी ये पराजित जो है किया था किसको जो है, यानी जो है ये पुष्मित सुंग ने, ये जो है यानी मिनांडर, किसको, मिनांडर को। यूनानी शासक था यानी इसको जो है ये पराजित जो है किया था। और उसके बाद जो है पराजित करने वाला दो अश्वमेघ यज्ञ किया था। और किसके जो है कौन कराया था, पंतजलि जो पुरोहित थे। अब देखिए इसके बाद जो है मेन टॉपिक जो है देखेंगे। देखिए अब ये जो है दो बार अश्वमेघ यज्ञ जो है कराया था, पंतजलि कराए थे। अब देखिए निर्माण क्या किया था, निर्माण में भरहूत। अब देखिए ये भरहूत स्तूप, यानी जो भरहूत स्तूप किसने बनाया था, पुष्प मित्र सुंग। किसने बनाया था,
पुष्पमित्र सुंग ने कराया था। अंतिम शासक कौन था भाई? अंतिम शासक कौन था? देवभूति, देवभूति था। अब देखिए, यानी ये जो है पुष्पमित्र सुंग का अंतिम शासक था, सुंग डायनेस्टी का। अब इसकी हत्या जो है, यानी जो है ये अंतिम शासक था, तो इसकी हत्या जो है किसने कर दिया भाई? हत्या जो है कर दिया वासुदेव ने। कौन किया? वासुदेव ने। और इसने जो है कर्ण वंश की स्थापना कर दी। कब कर दिया भाई? 73 बीसी में। कब किया? 73 बीसी में कर दिया। अब देखिए, इसकी जो है अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा। कौन था? सुशर्मा था। अब अंतिम जो है ये जो है राजा था। अब हत्या इसका जो है कौन कर दिया? इसका हत्या जो है, हत्या कौन कर दिया? अब देखिए, इसका भी हत्या जो है किसने कर दिया? सिमुक ने कर दिया। कौन? सिमुक, सिमुक ने कर दिया। और सातवाहन, सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। अब देखिए, अब इसकी राजधानी क्या थी सातवाहन वंश की? प्रतिष्ठान। क्या थी? प्रतिष्ठान। राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान थी, जो गोदावरी नदी के किनारे थी। गोदावरी नदी, यानी गोदावरी नदी के किनारे, के किनारे थी। अब देखिए, मेन टॉपिक जो है, यानी आपका जो है प्रतिष्ठान कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये था। अब देखिए आगे जो है, अगर जो है देखा जाए, इसको इरेज करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, बढ़िया लगे, तो आप जो है वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी बच्चे हैं तैयारी करने वाले, मेरे तरफ से जो है, यानी मैथ से रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे। रीजनिंग है, मैथ है, सी साइट है, और हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इन सभी के वीडियो जो है मिलेंगे। अब देखिए, इसके बाद जो है, यानी आपका जो है जो शासक हुए, सिमुक हुआ पहला, यानी सिमुक हुआ, सिमुक सातवाहन में सिमुक हुआ। फिर सातकर्णी हुआ, सातकर्णी, यानी ये पहला हो गया, फिर दूसरा हो गया। सातवाहन वंश के, सातवाहन वंश के शासक थे। क्या थे? सातवाहन वंश के शासक थे। फिर इसके बाद गौतमी बलश्री, गौतमी बलश्री ये था। अब देखिए, उसके बाद जो है कौन था? गौतमी बलश्री के बाद जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी, सॉरी गौतमी पुत्र सातकर्णी ये था तीसरा नंबर में। फिर उसके बाद विशिष्ट पुत्र सातकर्णी, विशिष्ट पुत्र सातकर्णी। ऐसे जो है, यानी स्टेटमेंट में आ जाते हैं, यानी इसको स्टेटमेंट में दे देगा कि जो है बताइए विशिष्ट पुत्र सातकर्णी इस नंबर का था या नहीं था, फोर्थ नंबर में। तो उसको जो है आपको जो है क्या, फिर जो है उसके बाद जो है पुलवामी है, पुलवामी। फिर उसके बाद जो है सिक्स नंबर में, यानी यज्ञश्री सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी था, यानी ये मेन टॉपिक। अब देखिए, इन्होंने भी जो है दो अश्व मेघ यज्ञ किया था। इन्होंने भी जो है दो अश्वमेघ यज्ञ और एक राजसु यज्ञ, एक राजसु यज्ञ जो है किया था इन्होंने सातवाहन में। तो आप जो है कंफ्यूज ना होइएगा, चूंकि जो है पुष्पमित्र सुंग ने भी जो है दो अश्वमेघ जो है यज्ञ कराया है और इन्होंने भी जो है दो अश्वमेघ यज्ञ कराया है। अब देखिए, जो है प्रशिक्षित साहित्यकार कौन थे भाई? यानी जो दरबार में साहित्यकार रहते थे, कवि रहते थे, तो उसके बारे में, यानी जो है साहित्यकार, साहित्यकार कौन थे? यानी हाल एवं गुड़ाधे
गुणाधे, ये दो कवि थे, साहित्यकार थे। अब देखिए ये जो है, यानी इन्होंने जो है, अगर जो है देखा जाए, अब इन्होंने क्या चलाया था, यानी क्या सातवाहनों ने सबसे पहले सिक्के जो है, मुद्रा जो है चलाया था, चांदी, फिर तांबा, चांदी तांबा, फिर उसके बाद कौन, यानी जो है शीशा का भी मुद्रा जो है इन्होंने चलाया था, फिर पोटी का भी जो है मुद्रा इन्होंने चलाया था, तो ये है, और कांसे, इन सभी का जो है मुद्रा इन्होंने जो है क्या का प्रचलन था। अब देखिए भूमि, ब्राह्मणों को भूमि देने का, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने का प्रचलन यहीं से चालू हुआ। कहाँ से? सातवाहन डायनेस्टी जो थे उन्होंने जो है दिया। अब देखिए राजकीय भाषा क्या थी भाई, राजकीय भाषा प्राकृतम ब्राही थी, राजकीय भाषा क्या थी, प्राकृत, और लिपि क्या थी, लिपि ब्राही थी। ये आपका जो है, यानी मेन जो है टॉपिक है। अब देखिए सत्ता क्या था, मात्र सत्तात्मक, सत्ता कैसा था, सत्ता था मात्र सत्तात्मक, मात्र सत्तात्मक जैसे सिंधु सभ्यता में था। अब देखिए जो है ये ऐसा आभास जो है होता था, लेकिन रियल में जो है पितृ सत्तात्मक था, पितृ सत्तात्मक था सत्ता जो था। अब देखिए यहाँ पर जो है इस प्रथा को, यानी पितृ सत्तात्मक राजकुल जो था वो पितृ सत्तात्मक था। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्रों का जो प्रशासन था वो गोमिद को दिया जाता था। अब देखिए यानी एलोरा की गुफा, इन्होंने निर्माण कृतियाँ जो है क्या किया, एलोरा की गुफा, और फिर जो है काल का चैत्य जो है अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण इन्होंने किया था। तो ये जो है आपकी वीडियो है, यानी ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, बढ़िया लगे, आप जो है यानी वीडियो को जो है, यानी जो है लाइक कीजिए, फिर जो है शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो जो है कंटिन्यूस जो है जाती रहेगी, अपलोड होती रहेगी, और केवल जो है यानी वैसे तो अगर बच्चा जो है तैयारी करता है तो किसी भी कंपटीशन में ये जो है आपके जो है पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन में आते ही आते हैं। वैसे जो है मेन जो है यानी UPSC UPPCS और जो है यानी UPPSC है, अब स्टेट पीसीएस ये मेन जो है, यानी इससे जो है जैसे मैथ है रीजनिंग है और फिर जो है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इन सभी का जो है वीडियो जो है अपलोड जो है होता है। कुछ जो है ऑडियो है, कुछ बहुत सारे जो है वीडियो हैं, तो चाहे आप वीडियो को जो है देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो जो है अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, तो आप वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।